नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऊपर टेरेस पे आने के बाद ये पता चला कि इतने सारे फूल खिले हैं, तो मैं क्यों ना एक वीडियो डालूं। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। कुछ अहम जानकारियाँ देनी है क्रिसतमम के बारे में, ताकि आप भी इतने बड़े बड़े फूल जो है पा सकें। इसमें दो कलर के मैंने लगाई थी कटिंग, और मेरे साथ बने रहे वीडियो क्लास तक। बहुत खास वीडियो होने वाली है, तो दोस्तों इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी दूंगी। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, इसमें मैंने दो तरह की कटिंग लगाई थी अगस्त महीने में। इस पौधे की आप कटिंग लगाएँ तो अगस्त महीने में लगाएँ, ताकि ये हमें पूरी सर्दी भर बड़े बड़े फ्लावर्स देते रहें। और जो इसके मदर प्लांट हैं वो बिल्कुल ख़राब ना करें, उन्हें बचा के रखें। तो देखिए दोस्तों, ये देखिए, जब आप कटिंग लगाते हैं तो बहुत बड़े बड़े पत्ते और बड़े बड़े फूल भी मिलते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप। हमारे गार्डन में कई रंग की गुलदाउदी खिली हुई है, और सब मैंने इसके बड़े बड़े फूल पाने के लिए हमें कटिंग लगानी होती है। जो इसका मदर प्लांट है वो हमें बिल्कुल नहीं ख़राब करना चाहिए, उसे संभाल के रखना चाहिए, ताकि हम हर साल इसको उपयोग में ला सकें कटिंग के लिए। और हमारे गार्डन में कई तरह की गुलदाउदी, देखिए ये बिल्कुल बसंती कलर का, ये हल्दी कलर का, और आगे भी ले चलते हैं, ये देखिए रेड कलर की। इतने फूल खिल गए हैं कि पूरे, देखिए ये ज़मीन में भी ये देखिए लटक रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा घने हो गए हैं। इधर ये देखिए, पूरे ज़मीन में छू रहे हैं पौधे, ये देखिए पूरे लोट गए हैं। ये देखिए बहुत लंबी टहनी है जिसमें ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, और देखिए टहनी टूट भी गई है, फूलों से लदे हुए हैं। आगे भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए ये इधर वाइट कलर के, ये फिर पीले, और भी कई कलर के हैं, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये वन मंथ हो गया है, अब ये सूखने लगी है, बहुत ही खूबसूरत है। सब कटिंग से मैंने लगाए हुए हैं, ये गुलाब हैं इधर, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए ये इधर, इसको कटिंग से लगाना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप लोग भी इसे कटिंग से लगाएं और बहुत ढेर सारे फूल पाएं। ये देखिए, मैंने स्टिक लगाने के बाद भी इसकी टहनियाँ नीचे बहुत झुक गई हैं। तो दोस्तों, मैंने इसमें बस जब से मैंने इसकी कटिंग लगाई, बस एक ही टाइम मैंने इसमें खाद दिया है, इसको बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती है। और परंतु अगर इसमें धूप नहीं मिलेगी तो अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। इस पौधे को धूप बहुत ज़रूरी है अपने टेरेस गार्डन में, अपने आप इसे बालकनी में भी लगा सकते हैं। अगर आपकी बालकनी में धूप नहीं है तो ये पौधा अच्छा नहीं चलेगा। दोस्तों, ये हमारी जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। और लास्ट में बस यही कहूँगी कि वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहें, ताकि नई नई जानकारियां आपको मिलती रहें। ओके, बाय बाय।